नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मलोट में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के विरुद्ध आप वर्करों ने किया धरना प्रदर्शन। आप वर्करों की सुनवाई न होने के लगाए दोष। डॉक्टर बलजीत कौर ने दोषों को किया खंडन। मलोट से विधायक चुने गए और भगवंत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के घर के बाहर आज आम आदमी पार्टी के वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया और रोष प्रकट किया। इन वर्करों ने सीधे तौर पर दोष लगाया कि बेशक पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, पर मलोट से विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही चुने गए, परंतु मलोट में काम कांग्रेसी और अकाली दल के वर्करों के हो रहे हैं, जबकि आपके वर्करों की कुछ पूछ पड़ताल नहीं, कोई भी पूछ पड़ताल नहीं है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की रिहायश के सामने आज मलोट में आम आदमी पार्टी के वर्करों ने धरना दिया। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधान का नेतृत्व में अलग अलग वार्डों के प्रधान और आम आदमी पार्टी की तरफ से MC मतदान लड़े व्यक्तियों ने आज डॉक्टर बलजीत कौर के गेट में धरना शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना था चाहे सरकार आम आदमी पार्टी की है, परंतु मलोट में डॉक्टर बलजीत कौर के आसपास जो घेरा बना है वो अकाली और कांग्रेसी वर्करों का है, इसलिए मलोट में अकाली और कांग्रेसियों के काम तो हो रहे हैं, परंतु आम आदमी पार्टी के वर्करों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, की कारण है जो तुसी प्रधान जी, की थोड़ा नाम हैगा, की ओहदा की हैगा? मेरा नाम राजीव उपला जी, मैं ब्लाक प्रधान हां जी मलोट दा, मलोट शहर दा। जदों अज तो 8 साल पहला असी पार्टी दा झंडा चक के सड़कों के उतरे सीगे, लोग सानू देखते हैं, सब तो पुराने वर्कर इत्थों असी होई हां जी। पार्टी ने मान सम्मान भी दिता, साडा पार्टी नाल कोई रोस नहीं गा। पार्टी बहुत वधिया स्ट्रैटेजी लैके आई, दिल्ली च भी पंजाब च भी लैके आई है, नो डाउट। कुछ बंदे होंदे जी खराब करन वाले, साडी लड़ाई उन्हां दे खिलाफ है, किसी आपदी पार्टी दे खिलाफ साडी लड़ाई नहीं हैगी। क्योंकि पार्टी मिनिस्टर तां पार्टी दी है ना? नहीं नहीं जी, मिनिस्टर तां लोकां ने बनाया, पार्टी ने थोड़ी बनाया उन्हां नूं। उन्होंने तो एक टिकट दित्ती सी किसी बंदे नूं। हुण अज जे मिनिस्टर आपदे आसे पासे उन्हां अकालियां कांग्रसियां दा घेरा बनाई फिरदा भी, जिहड़े पहलां पट्टी साहब दे कमरियां च जाके पाणी फड़ाउंदे सी, चाह फड़ाउंदे सी, अज उही इत्थे फड़ाउंदे आ। साडा पार्टी का एक भी वर्कर, तुसीं पिछले एक महीने दीआं फोटोआं कढ के वेख लो मैडम दीआं, किसी फोटो च खड़ा होवे, किसी जगह ते कोई सन्मान होया वे उत्थे खड़ा होवे, एक भी बंदे नूं पिंडां दे वर्कर इत्थे खड़े आ मेरे वीर, हर थां तों वर्कर पछाणा है। ये भी कुछ इत्थे खड़े है, कुछ बेचारे सामने नहीं आना चाहते यार, उन्होंने अजे भी उम्मीदा ने भी पता नहीं शायद साडा कुछ हो जाऊगा। वेखो, लड़ाई साडी नशे दे खिलाफ सी, लड़ाई साडी भ्रिष्टाचार दे खिलाफ सी, पर सिस्टम अजे भी उवें ही चली जांदा है। असी 10 वारी मैडम नूं वेख मिल के गल्लां करतीआं वी मैडम आ सिस्टम अजे सही नहीं हो रहा, इहनूं आपां बिना पैसा लाया सैट कर सकदे आं, सिर्फ एक जबान नाल कहण नाल सैट हो सकदा है, जे उह क्यों नहीं कीता जा रहा? क्योंकि जिहड़े कहणा वी ओसे बंदिआं दे कम हो रहे आ जिहड़े उहनां दूजे, बिल्कुल सर, उहनां दी पहले ही अफसरां नाल सैटिंग सी ते अफसर सारे उही आ, अफसर तां बदले नहीं। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ? ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਘਰ ਗੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਗੱਲ ਆ? ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵਰਕਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਟੋਰੇ ਆਇਓ ਮੜਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਦੀਪ। ਸਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਝੋੜ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ
देखो जी पार्टी दे विच नाराजगियां चलदियां ही रहिंदियां ने, हो सकता उन्हां नूं किसी गल ते नाराजगी होवे, मैं जाके गल कर लैंदी आं, क्लीयर कर लैंदे आं। मेरे ख्याल जिन्ने भी मेरे नाल बैठे ने या जिन्ने भी लोग जिन्ने भी वर्कर मेरे नाल चलते ने सारे ने ही मेरे नाल कंपेन च बहुत वधिया योगदान पाया। तो मैं किसी भी बाहरले अधिकारी अपनी पार्टी के अहमियत नहीं दिती, सिर्फ काम के सिर पर ही उन्होंने काम दिता जा रहा, कोई यहोजी गल ही नहीं है। और दूसरे पास उन्होंने कहना है कि एक पास पंजाब सरकार दावा करती है भी भ्रिष्टाचार मुक्त का नशा मुक्त का, पर दूसरे पास भी मंत्री साहब के ध्यान च लिया चुके हैं फलाने पिंड नशा दिखता, पर अज तक गौर नहीं किया। जिहड़ा नशे की खात्मे की गल है हले पूरे पंजाब ही पूरी तरह कंट्रोल च नहीं आया, तो भगवंत मान साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, असी भी अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये वड्डे लैवल ते वड्डा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, टाइम जरूर लगेगा पर असी खत्म कर देवांगे। जे वो इस करके धरने पर बैठे ने तो मैं लगता उन्होंने ज़्यादा पता होना चाहिए भी असी पार्टी किवें काम करना है। मैनू नहीं लगता कोई इस तरह की गल हुई हो दूजिया पार्टियां तो आए जड़े वर्कर। हाँ जी, की थोड़ा नाम है, कि आम आदमी पार्टी थोड़ा अहुदा हैगा, की कार लोड़ पैगी जड़े वर्करां नूं जड़ा हैगा अज मिनिस्टर दे बाहर अगे। मेरा नाम साहिल मोंगा है जी, मेरे जिला जनरल सकत्तर यूथ मेरे कोल अहुदा है जी श्री मुक्तसर साहब का। आम आदमी पार्टी के असी पिछले कई सालों तो काम किया, पिछले पार्टी दे नूं मजबूत करन दे लई थां थां ते असी धरने लाए, अकाली कांग्रेसियां दे खिलाफ धरने लाए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम खराब किया सीगा। सिस्टम दो ही सीगे कि उन्हां दी गंदी राजनीति सीगी ते जिहड़ा नशे दा सिस्टम पंजाब दे विच चलिया सी ओह सिस्टम सीगा, उहदे लई असी धरने लाउंदे रहे, आम आदमी पार्टी नूं लिआंदा सरकार लिआंदी, पर आम आदमी पार्टी उत्तों तां कस दिंदी है पर इत्थों जिहड़े नुमाइंदे बैठ गए साडे मिनिस्टर साहब के नाल जिहड़े नुमाइंदे बैठ गए वह बंदे ने जिहड़े पट्टी साहब के कमरे च चाह फड़ाउंदे रहे ने, अज वह नुमाइंदे हल्के चलाउंदे ने, अज जिहड़े बंदे अकाली दल दे विच राज करदे रहे ने पट्टी साहब के नाल घूमदे रहे ने, अज वह बंदे हल्के चलाउंदे ने, उन्हां तों सानूं इतराज़ है। जिस दे रिगार्डिंग असीं मिनिस्टर साहब नूं बेनती की पर उन्होंने साडी गल नूं अनगोलिया करता, किसी गल की साडी सुनवाई नहीं होगी, तो अज असीं आपदी सुनवाई करन दे लई जिवें वोटां तों पहलां अकालियां ते कांग्रेसियां दे खिलाफ बैठते सी अज उस तरह बैठे हाँ, आपदा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करांगे, जदों तक मिनिस्टर साहब आके साडी गल नहीं सुनणगे असीं इसे तरह इत्थे बैठे रहांगे। कोई अहुदे नहीं जी, वह जाके थां थां ते अनाउंस कर देंगे ने कि सानू मैडम ने कहता जी आ एस यूनियन का प्रधान बन गया, एस यूनियन का प्रधान बन गया, नशियां के खिलाफ लड़ाई चली सी, असी आप मलोट शहर की अहदेदार पूरी टीम एस एच ओ साहब चंद्रशेखर जी नू थाने दे विच जाके उन्हां दी डायरी ते नोट करा के आए कि आह बंदे नशे वेचते ने, टाइम दसता कि इन्ने तो इन्ने नशा विकदा, पर उन्होंने हथ कसते उही बंदिया ने जिन्हां दीआं पहलां सैटिंगां सीगियां, तो एक भी बंदे दे उत्ते छापा नहीं वज्जा, एक भी बंदा कोई नशे वाला नहीं फड़िया गया। आरोप की है तुहाडा भी कि मैडम दे नाल जिहड़े के मिले हुए? हाँ, जिहड़े मैडम दे नाल बंदे रहिंदे ने उह अकाली दल दे ते कांग्रेस दे बंदे ने, उन्होंने मैडम दे आसे पासे जिहड़ा घरो मचा लिया, उह ना तां किसे होर नूं गल करन दिंदे, ना किसे वर्कर दी सुनवाई होण दिंदे, ना किसे आम लोकां दा कम्म होंदा। बेशक जिहड़ा तुहानूं उम्मीदां सीगियां भी आम आदमी पार्टी सरकार बननेगी जिहड़ियां वड्डी पद्धर ते उम्मीदां खरी उतरूगी, पर एक महीने दे विच जिहड़ा गया तुहानूं धरने दे विच उतरना पिया। असी आपदी देखो जी सच्चाई दे लई लड़े सीगे, पार्टी लई नहीं सच्चाई लई लड़े सीगे, तो असी देख लो अज दा जिहड़ा धरना भी सच्चाई लई है कि जे उन्हां लोकां ने ही बैठना सी कुर्सियां ते फिर असी अजैब सिंह पट्टी नाल मेरी कोई परसनली दुश्मनी सी या हरप्रीत कौर भाई नाल मेरी परसनली दुश्मनी सी, जे इत्थे आ के अजैब सिंह पट्टी दे बंदे या अकाली दल दे बंदे बैठे फिर साडा उन्हां नाल की सीगा, साडा तां सिस्टम नाल रोश सीगा, उह सिस्टम दे रोश नाल अज वी खड़े हां असी। श्री मुक्तसर साहब से बूटा सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।